27 साल की शादी के बाद बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया है। हमें लगता है कि एक युगल के तौर पर हम जीवन के इस मोड़ पर एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत में राहत सामग्री भेज रहे हैं। आज कुवैत, यूएई, यूके, अमेरिका से मेडिकल सप्लाई देश में पहुंची है। अमेरिका से राहत सामग्री की पांचवी खेप भारत पहुंची है। इसमें 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य मेडिकल सामान शामिल है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की निष्क्रियता से निर्दोष लोग मर रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कहा कि विस्तृत मार्ग निर्देशिका आपदा प्रबंधन समूह को जारी करने का निर्देश दिया है। यूपी में कोरोना के खिलाफ जंग में पत्रकारों, जजों व सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया गया है। अब उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए टीमें खुद जाकर संस्थानों में कैंप लगाएंगी और टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आवास पर आइसोलेशन में हैं। फिर भी मुख्यमंत्री फोन पर अधिकारियों से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री केंद्र के अधिकारियों व नेताओं से भी फोन पर बात कर रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री आज शाम को कोविड की समीक्षा बैठक लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बंगाल हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा, आगजनी और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं अत्यधिक चिंतनीय है। ये एक विकृत लोकतंत्र का उदाहरण है। सिटीजन फोरम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने सरकारी अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये प्लांट जन सहयोग से लगाया जाएगा। इस विषय में डॉक्टर सुधीर भंडारी से विमर्श करके इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। इस प्लांट में 100 बेड को निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 12 के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की सेकंड बेल अर्जी पर जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत में सुनवाई टल गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पैरवी की। मामले में अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। आईपीएल पर कोरोना की मार पड़ी है। कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद आईपीएल 2021 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा कोविड 19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल 2021 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।